हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में रोल एंड इम्पोर्टेंस और फंक्शन की बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाते हैं? जो सिस्टम किस में हेल्प करें, डाइजेशन में हेल्प करें, उसे क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने एनिमल टिश्यू में देखा था, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बना रही थी? टिश्यू मिलकर क्या बना रहे थे? ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। तो जो सिस्टम किस में हेल्प कर रहा हो? डाइजेशन में, उसे क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो होते हैं डाइजेशन में, पहले अपन देखते हैं किसका डाइजेशन होगा। फूड का। फूड के मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब फूड क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि लिविंग रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी क्या चाहिए हमें? स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोफैक्टर का काम करते हैं। इसके अलावा ये मसल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करते हैं, लाइक जो होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, आयन के ट्रांसमिशन में या इम्पल्स ट्रांसमिशन में जो होते हैं। कौन हेल्प करते हैं? मिनरल। इसके बाद बात करते हैं फूड हमारे लिए, बॉडी के लिए किसका काम करते हैं? रॉ मटेरियल का। अमीनो एसिड लाइक प्रोटीन मास में जो होते हैं मसल्स के ग्रोथ के लिए, इसके अलावा रिपेयरिंग में या रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करें वाटर, तो वाटर जो होता है मीडियम प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ क्या करता है वाटर? डिहाइड्रेशन से हमारी बॉडी को बचाता है। इसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन क्या कहलाता है। तो डाइजेशन जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन क्या कहलाता है? डाइजेशन। स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होंगे जिनका हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन हो सके। लाइक प्रोटीन जो होते हैं किससे बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड से, ठीक जो होते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड को सिंपल फॉर्म इसकी मोनोमर यूनिट में तोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को किस में तोड़ेंगे? अमीनो एसिड में। इसके बाद बात करें कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या है? पॉलीसेक्राइड। उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे मोनोसेक्राइड में। इसके अलावा फैट की बात करें, लिपिड की, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, तो इसे क्या बोला? डाइजेशन कहा। अब जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है? तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बनता है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? एनस तक। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड में एसेसरी ग्लैंड भी कहते हैं, वो किस में हेल्प करती हैं? डाइजेशन में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होंगी? नहीं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, ये किस में हेल्प करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा? माउथ, देन ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस में जाकर पोस्टीरियर ओपनिंग में ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया और स्टमक हो गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके बाद बात करते हैं किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं, कोलॉन, सिकम एंड रेक्टम। तो पहला पार्ट क्या कहलाता है? सिकम। दूसरे कोलॉन के तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। कोलॉन जाकर कहाँ ओपन होता है? जो होते हैं रेक्टम में, और रेक्टम जो होता है टर्मिनल ओपनिंग, जिसे क्या कहते हैं? एनस में जाकर ख़त्म हो जाती है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से बना है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड से कंपोज्ड है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएंगे? माउथ, देन माउथ या बकल कैविटी के अंदर जो कैविटी है इसके अंदर क्या क्या सिचुएटेड है? टीथ, टंग और एक एसेसरी ग्लैंड होती है, उसे क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। एक एसेसरी ग्लैंड होती है, उसे क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा जो होती हैं ओरल कैविटी कहाँ जाकर ओपन होगी? फेरिंग्स में, देन इसोफेगस में, देन स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, डिओडिनम, जेजुनम एंड एलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जाकर ओपन होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, सिकम, कोलॉन एंड रेक्टम। कोलॉन के तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। इसके बाद बात करें एसेसरी ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो उसमें क्या क्या आएंगे? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज।
अब सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है, ओपनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ जो होता है एक कैसी ओपनिंग है, ट्रांसवर्स ओपनिंग है, ठीक, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है। ये किसके द्वारा कवर्ड होती है, अपर लिप एंड लोअर लिप द्वारा कवर्ड होती है। लिप में मसल होती है, उस मसल को क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, ऑर्बिकुलरिस मसल को क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल कहते हैं। ये क्या करता है, ये लिप के माउथ के ओपनिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा जो होते हैं बकल कैविटी में क्या है, पैलेट। पैलेट क्या कहलाता है, जो अपनी कैविटी की, माउथ की जो कैविटी होती है उसको क्या करता है, छत वाला पार्ट बनाता है, रूफ वाला पार्ट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, पैलेट, उसको क्या बोलते हैं, पैलेट। और फ्लोर साइड क्या होती है, अपनी टंग होती है। तो पैलेट का एंटीरियर वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट जो टीथ साइड होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। और पोस्टीरियर पार्ट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। एंटीरियर पार्ट कैसा होता है, हार्ड, और पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट होता है। बकल कैविटी और नेजल कैविटी को कौन डिवाइड करता है, अपना पैलेट। तो एंटीरियर पार्ट कैसा होता है, हार्ड होता है, पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट होता है। एंटीरियर पार्ट जो होता है कौन कौन सी बोन से बनता है, तो एंटीरियर पार्ट मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन से मिलकर बनता है। इसके बाद बात करें सॉफ्ट पैलेट की, सॉफ्ट पैलेट जो होता है पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, ठीक। यहां देख रहे हैं हम, ये क्या है, टंग है अपनी, टंग के बीच में ये क्या है, पैलेट है। तो एंटीरियर पार्ट कैसा है, हार्ड होता है, एंटीरियर पार्ट हार्ड होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। पोस्टीरियर पार्ट में क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अलावा कुछ मसल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक। अब जो होते हैं सॉफ्ट पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट कैसा होता है, एक्सटेंड कर जाता है, एक्सटेंड, उससे क्या होता है, एक्सटेंड करके एक फ्लेक्शन बनाता है या फोल्ड बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, यूबुला या विलम पैलेटाई कहते हैं। तो क्या है, फ्लैसी एक्सटेंशन है किसका, सॉफ्ट पैलेट का पीछे वाला पार्ट कैसा होता है, एक्सटेंड कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, यूबुला या विलम पैलेटाई कहते हैं, ठीक। यूबुला क्या करता है, यूबुला के फंक्शन की बात करें तो यूबुला जो होता है, अपन ने माउथ से फूड खाया, अब जो होते हैं माउथ कहाँ ना आ जाए, नेजल कैविटी में ना आ जाए, तो ये क्या करता है, इंटरनल लेयर्स जो अंदर नोज के अंदर नेयर्स हैं या नोस्ट्रिल्स हैं, उनको क्या करता है, फूड वहाँ आने से प्रिवेंट करता है। तो ये क्या करता है, फूड अथवा लिक्विड को इंटरनल लेयर में आने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद चलते हैं बकल कैविटी के नेक्स्ट वाले पार्ट, टीथ में। तो बकल कैविटी में क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। यदि टीथ के ओरिजिन की बात करें तो ये कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, मींस इसका ओरिजिन कौन कौन सी लेयर से होता है, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म, किससे होता है, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। जो होते हैं ह्यूमन टीथ एक सॉकेट होते हैं, उस सॉकेट में सिचुएटेड होते हैं, उस सॉकेट को क्या कहते हैं, एल्बुलाई, उसको क्या बोलते हैं, एल्बुलाई कहते हैं। ये सॉकेट कहाँ होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला बोन में सिचुएटेड होते हैं। जो होते हैं टीथ के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से टीथ पार्ट हैं, क्राउन, नेक और रूट। रूट कहाँ होता है, बोन में जो सॉकेट में सिचुएटेड होता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्राउन जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और ये किससे बना होता है, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट से। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में फ्लोराइड वगैरह आयन भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लोराइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कैसी सरफेस बनाता है, हार्ड सरफेस बनाता है। अब जो होते हैं सबसे बाहर जो होती है इनेमल की लेयर होती है, कैसी होती है, इनेमल की लेयर। इनेमल को कौन बनाता है, अमाइलोब्लास्ट सेल। इनेमल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, किसका, एनिमल किंगडम का। इनेमल किसका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एनिमल किंगडम का। किसमें हेल्प करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मीन्स फूड के क्रशिंग में हेल्प करेगा। इनेमल का फॉर्मेशन कौन करता है, अमाइलोब्लास्ट सेल द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है। अब अमाइलोब्लास्ट का ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्म, इसलिए जो होता है टीथ का ओरिजिन कैसे हो जाएगा, एक्टोडर्म। और डेंटाइन वाले पार्ट की बात करें तो डेंटाइन वाला पार्ट जो होता है वो कैसा ओरिजिन में होता है, मीजोडर्मल, इसलिए डेंटाइन का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्म से, इसलिए टीथ का पूरे का ओरिजिन कैसा हो जाएगा, एक्टोमीजोडर्मल। इसके अलावा इनेमल में जो होते हैं कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, इनेमलिन एंड उसको क्या, दूसरी प्रोटीन कौन सी, एमिलोजेनिन प्रोटीन्स हैं। ये कितना परसेंट पार्ट बनाती है, 1% पार्ट बनाती हैं,
ठीक। इसके अलावा 3% तक वाटर होता है और 96 या 7% तक क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। मेन पार्ट जो टीथ का है वो कौन बनाता है, डेंटाइन। मेन पार्ट कौन बनाता है टीथ का, डेंटाइन। और डेंटाइन जो सेल फॉर्मेशन करती है उन सेल को बोलते हैं ओडेंटो, क्या बोलते हैं, ओडेंटो ब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं उनको, ओडेंटो ब्लास्ट सेल। ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, ये जो होती हैं डेंटाइन का फॉर्मेशन करती है। ओडेंटो ब्लास्ट सेल जो होती हैं पल्व कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं। पल्व कैविटी में क्या होता है, एक कैविटी होती है, क्या होती है कैविटी, कुछ ऐसी कैविटी होती है। कहाँ से ओरिजिन होता है, एपिकल फोरामेन से ओरिजिन होता है। और इस कैविटी में क्या होते हैं, यहाँ ब्लड वेसल्स, नर्व, ब्लड वेसल, नर्व, फाइबर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है हार्डेस्ट लेयर, उसे क्या कहते हैं, ये कौन सी लेयर हो जाएगी, इनेमल। इनेमल को फॉर्मेशन करने के लिए जो होती डेंटाइन के ऊपर कुछ सेल होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अमीलो ब्लास्ट सेल, अमीलो ब्लास्ट सेल या अमाइलो ब्लास्ट सेल कहते हैं। अमाइलो ब्लास्ट सेल आउटर साइड क्या सिक्रीट करेंगी, इनेमल का सिक्रीशन करती हैं। ये किसके बाहर होती हैं, किसके ऊपर होती हैं, डेंटाइन के ऊपर पाई जाती हैं। अब पल्प कैविटी के ऊपर एक अनादर सेल होती हैं, पल्प कैविटी के ऊपर अनादर सेल होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओडेंटो, ओडेंटो ब्लास्ट सेल। ये क्या करती हैं, ये डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं, डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं। कौन सी सेल होती हैं, ओडेंटो ब्लास्ट सेल। किसके बाहर होती, पल्प कैविटी के, पल्प चैम्बर में या पल्प कैविटी में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल और नर्व होते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में नर्व सप्लाई होती है जो कि कंट्रोल करती है, जिसके कारण टीथ में जो होते हैं ठंडा लगना, गर्म लगना, कई बार ऐसा होता है नर्व सप्लाई की वजह से होता है। इस पूरी कैविटी को क्या बोला, पल्प कैविटी बोला, ठीक। इसके अलावा ये जिस सॉकेट में सिचुएटेड होते हैं इसको क्या बोलते हैं, एल्बुलाई। ये कौन सी बोन हो जाएंगी, जा बोन। जा बोन कौन सी थी, मैंडिबला और मैक्सिला। इसके अलावा जो यहाँ पास लिगामेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोन टू। टीथ कनेक्ट कौन करता, पेरीडोंटल लिगामेंट, पेरीडोंटल लिगामेंट कनेक्ट करता है। आउटर पार्ट क्या कहलाता है टीथ का, क्राउन। जो बीच में होता है उसे नेक बोलते हैं और जो बोन के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक। तो ये किसके बारे में हो गया, टीथ के बारे में हो गया। जो इनेमल का फॉर्मेशन करती है उसे क्या बोलते हैं, इनेमल का फॉर्मेशन करती है उन्हें अमाइलोब्लास्ट सेल कहते हैं। किसके बाहर होती है, डेंटाइन के। और जो डेंटाइन का फॉर्मेशन करती है उन्हें क्या बोलते हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल। वो किसके बाहर होती है, पल्प कैविटी के। पल्प कैविटी में क्या होता है, पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स एंड नर्व होते हैं। और पल्प कैविटी में जहाँ लास्ट टर्मिनल ओपनिंग होती है, टर्मिनल ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ये क्वेश्चन एम्स में आया है। तो एपिकल फोरामेन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, टीथ में होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ की, जो होते हैं मेजर जो होते हैं, यदि बात करें हुमेन की तो हुमेन जो होता है कैसा होता है, डाइफोडोंट होता है। उसमें जो होते हैं दो बार टीथ आते हैं, पहली बार जो टीथ आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ या विस्डम टीथ, मिल्क टीथ या विस्डम टीथ, विस्डम टीथ या टेम्परेरी टीथ कहते हैं। यदि बात करें एक चिल्ड्रन का डेंटल फार्मूला की बात करें तो उसका कितना होता है, 2102। एक चाइल्ड का जो होता है डेंटल फार्मूला वो कितना होता है, 2102। इसमें क्या होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो जो होते हैं चिल्ड्रन में प्रीमोलर और थर्ड मोलर अब्सेंट होते हैं। तो जो अब जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनको गिरा दिया जाता है और फिर क्या आते हैं उसमें, परमानेंट टीथ आते हैं। तो क्या होते हैं, कुछ टेम्परेरी टीथ होते हैं और फिर दोबारा जो आते हैं वो कैसे आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। अब मनुष्य में या ह्यूमंस में कितनी बार आते हैं, दो बार आते हैं, इसलिए इस तरह के टीथ को क्या बोलते हैं, डाइफोडोंट बोलते हैं। इस तरह के टीथ को क्या बोलते हैं, डाइफोडोंट जो होते हैं। डाइफोडोंट में जो होते हैं कौन कौन आते हैं, जो दो बार आते हैं, जो जो चाइल्ड में होंगे वो क्या आएंगे, दोबारा आएंगे कि नहीं, तो इंसीजर,
कैनाइन एंड मोलर, ये क्या होते हैं, मोलर नंबर वन एंड मोलर नंबर टू, ये क्या आते हैं, दो बार आते हैं, इसलिए इन टीथ को क्या बोलते हैं, डाइफोडोंट। जो एक बार आते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट। तो मोनोफायोडोंट में चिल्ड्रन में कौन कौन अब्सेंट है, प्रीमोलर और थर्ड मोलर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं चिल्ड्रन में, थर्ड मोलर अब्सेंट होते हैं चिल्ड्रन में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट कहते हैं। अब हमने देखा था अपना टीथ जो होता एक सॉकेट में सिचुएटेड होता है, उसे क्या बोला था, एल्बुलाई। ठीक, तो अपना टीथ एक सॉकेट में है तो इसलिए इस टीथ को क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। तो जो टीथ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, थिकोडोंट कहते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, थिकोडोंट। इसके बाद बात करें जो होते हैं चारों, जो भी इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यदि चारों टाइप की बात करें तो इनका शेप अलग अलग होता है, इसलिए इस टाइप के टीथ को क्या बोलते हैं, हेटरोडोंट। क्या बोलते हैं, हेटरोडोंट कहते हैं। यदि बात करें अरेंजमेंट की बात करें तो डेंटल फार्मूला कितना होता है, एक एडल्ट पर्सन का डेंटल फार्मूला की बात करें तो कितना होता है, 2-1-2-3। मीन्स इंसीजर कितने होते हैं, 2, केनाइन कितने होते हैं, 2, और प्रीमोलर कितने होते हैं, 2, इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। तो डेंटल फार्मूला कितना हो जाएगा, 2-1-2-3। जो डेंटल फार्मूला होता है, अपर हाफ ऑफ जा एंड लोअर हाफ, मीन्स एक जा हो गया, एक जा का हाफ लिया जाता है, अपर हो चाहे लोअर हो, तो उसमें किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अपर जा एंड लोअर जा दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये केस का डेंटल फार्मूला हो गया, एक एडल्ट का हो गया। यदि एक 17 ईयर्स के पर्सन में बात करें तो उसमें जो होते हैं थर्ड मोलर अब्सेंट होते हैं, उसका डेंटल फार्मूला कितना हो जाएगा, 2-1-2-2। उसका डेंटल फार्मूला कितना हो जाएगा, 2-1-2-2। और एक चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला कितना होगा, 2-1-0-2-1-0-2। कितने हो जाएंगे टोटल, यदि एडल्ट की बात करें 2-1-3। कितने हो गए, एक साइड 8 हो गए, 8 हो गए, दूसरे साइड 8, और अपर एंड लोअर, फिर लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। यदि जो होते हैं, ये किसकी बात हो गई, ये टाइप ऑफ टीथ की बात हो गई। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, चार टाइप के होते हैं, इसलिए क्या बोला था, हेटरोडोंट। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर का जो फंक्शन होता है वो मेनली कैसा होता है, उसका कटिंग करने का या ग्राइंडिंग करने का, जो कट करते हैं उसको किसके द्वारा करते हैं, इंसीजर के द्वारा करते हैं। इसके बाद केनाइन के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, फूड को फाड़ने का या टियरिंग करने का फंक्शन किसका होता है, केनाइन का होता है। प्रीमोलर और मोलर किस में हेल्प करते हैं, फूड के क्रशिंग में हेल्प करते हैं। अब कुछ एनिमल्स लाइक रैबिट में केनाइन अब्सेंट होता है, तो केनाइन अब्सेंट होता है तो वहां पास स्पेस बन जाता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, डाइएस्टेमा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपन ने क्या देखा, ओरल कैविटी में पैलेट देखा, जो पैलेट क्या कर रहा था, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को डिवाइड कर रहा था। इसके बाद ओरल कैविटी में क्या सिचुएटेड है, टीथ। अपने टीथ कैसे होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं, हेटरोडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। ठीक, अब जो होते हैं, अब किसकी बात करेंगे, टंग की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, टंग की बात करेंगे। तो टंग में जो होते हैं, टंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जो कि कौन बनाता है, पैलेट वाला रीजन होता है। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है वो कितना होता है, 2/3 होता है, और पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कितना होता है, 1/3 होता है। पोस्टीरियर पार्ट 1/3 होता है और एंटीरियर पार्ट जो होता है 2/3 होता है। ठीक, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को एक सल्कस द्वारा डिवाइड किया जाता है, उस सल्कस को क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनलिस। उसको क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनलिस, उसे क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। अब जो होते हैं टीथ में छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैपिले। उन पैपिले में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है, टेस्ट का पता लगाना। ठीक, तो जो होते हैं एंटीरियर एंड लेटरल साइड में जो होते हैं, कौन से पैपली होते हैं, एंटीरियर और लेटरल साइड में जो पैपली होते हैं वो कौन से होते हैं, फंगीफॉर्म पैपली होते हैं। ये मेनली पूरे टीथ में होते हैं, डॉर्सल सरफेस में होते हैं, सॉरी टंग के डॉर्सल सरफेस में होते हैं।
कहाँ होते हैं? टंग के डॉर्सल सरफेस में होते हैं और पूरे टंग में होते हैं। टंग के डॉर्सल सरफेस में होते हैं और पूरे टंग में होते हैं, लेकिन जो होते हैं एंटीरियर और लेटरल साइड में इनका कंसंट्रेशन, ये वाला कंसंट्रेशन इनका ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सर्कमवेलेट पैपली। सर्कमवेलेट पैपली जो होती हैं 8-12 होती हैं और इनका शेप जो होता है सर्कल लाइक राउंड होता है। फिलीफॉर्म पैपली की बात करें तो इनमें जो होता है टेस्ट बर्ड अब्सेंट होते हैं और ये टेस्ट बर्ड अब्सेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सी पैपली होती हैं? फिलीफॉर्म पैपली होती हैं। अब जो होते हैं टिप का एंटीरियर पार्ट जो होता है किसके लिए जो होता है, कौन से टेस्ट का पता लगाता है? टिप का एंटीरियर पार्ट जो होता है वो स्वीट एंड सॉल्ट का पता लगाता है। इसके अलावा जो होते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की बात करें तो किसका पता लगाएगा? बिटर का। और लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर लेटरल सरफेस वो किसका पता लगाएगा? सौर का। और जो होते हैं एंटीरियर लेटरल सरफेस जो होता है सॉल्ट का और सौर का पता लगाता है या आइडेंटिफाई करता है। उन क्यों जो होते हैं बिटर के लिए जो टेस्ट वर्ड होती हैं वो कहाँ होती है? पोस्टीरियर साइड में। स्वीट के लिए टेस्ट वर्ड कहाँ होती है? एंटीरियर साइड में, इसलिए स्वीट का फील एंटीरियर साइड में ज़्यादा आता है। अब टंग जो होते हैं कैसे हैं? वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं। क्या होती हैं? ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं। इसके अलावा टंग का जो वेंट्रल सरफेस होता है वो किससे अटैच रहता है? एक फोल्ड द्वारा अटैच रहता है, उसे क्या बोलते हैं? माउथ से अटैच रहता है, उसे कहते हैं फ्रेनुलम। उसे क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। टंग को वी शेप जो होता है, एक सल्कस होता है, फरो होता है, वो डिवाइड करता है एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट में, उसे क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। और पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? फेरेंजियल पार्ट, ठीक। और एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट कहते हैं। जो टंग होती हैं उसमें टिप वाले पार्ट में या एंटीरियर पार्ट में किसके लिए टेस्ट वर्ड होती हैं ज़्यादा? स्वीट के लिए। टिप एंड साइड में किसके लिए होती हैं? सॉल्ट के लिए। और साइड में किसकी होती हैं? ओनली सॉर, खट्टे के लिए। और बिटर के लिए जो होती हैं बेस वाले पोस्टीरियर पार्ट में होती हैं। अब हमने देखा पैपली कितने टाइप की होती हैं। पैपली जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, फंगीफॉर्म पैपली, फिलीफॉर्म पैपली एंड सर्कमवेलेट पैपली। फंगीफॉर्म जो होती हैं ये कैसी होती हैं? ये जो होती हैं कुछ फंगस लाइक होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। इसमें जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं? मेनली एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस पे होती हैं। वैसे तो जनरली ये पूरी टीथ जो होते हैं टंग में होती हैं, लेकिन एंटीरियर और लेटरल सरफेस में ज़्यादा होती हैं। यदि बात करें फिलीफॉर्म पैपली की तो इनका शेप जो होता है कैसा होता है? कॉनिकल होता है और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें सर्कमवेलेट पैपली की तो ये कैसी होती है? पोस्टीरियर साइड में सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट आगे होती हैं और कितनी होती है नंबर में? 8-12। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ टंग की बात करें तो टंग के क्या क्या फंक्शन हैं। तो टंग का सबसे पहला फंक्शन क्या है? टेस्ट का सेंसेशन करना, टेस्ट का पता लगाना। इसके अलावा टीथ क्लीनिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? टीथ के क्लीनिंग में। इसके अलावा फूड में जो होता है सलाइवा का मिक्सिंग, फूड में सलाइवा के मिक्सिंग में कौन हेल्प करता है? टंग सलाइवा मिक्सिंग में हेल्प करती हैं, टेस्ट का सेंसेशन पता लगाती हैं और टीथ के क्लीनिंग में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं टेस्ट पाथवे। तो हमारे टेस्ट बर्ड में जो होते हैं क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है। तो जो होती हैं टेस्ट बर्ड में 3 नर्व सप्लाई हैं, कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 9 और क्रेनियल नंबर 10। जो 7th होती है उस नर्व को क्या बोलते हैं? फेसियल नर्व। और जो 9th होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और 10th जो होती है वो होती है वेगस नर्व। कौन सी होती है? वेगस नर्व। तो एंटीरियर पार्ट को कौन लेके जाती है? एंटीरियर पार्ट का टेस्ट सेंसेशन कौन लेके जाएगी? फेसियल नर्व। और पोस्टीरियर पार्ट का कौन लेके जाएगा? जो होते हैं क्रेनियल नर्व 9, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जिसे कहते हैं। और पोस्टीरियर मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट का जहाँ क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते हैं। और पैलेटल रीजन का कौन लेके जाएगा? वेगस नर्व। कौन लेके जाएगा? वेगस नर्व। कहाँ जाते हैं लेकर के टंग से? मेडुला ऑब्लॉगेटा में लेके जाएंगे। मेडुला से कहाँ जाएगा? जो होते हैं थैलेमस में जाएगा। और थैलेमस से टेस्ट सेंटर में जाएगा जहाँ टेस्ट का एनालिसिस होगा।
तो ये किसके बारे में हुआ? ये जो हमने देखा, सबसे पहले माउथ देखा, देन ओरल कैविटी में जितनी भी स्ट्रक्चर थी उनके बारे में देखा। सलाइवरी ग्लैंड को अपन किस में देखेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखेंगे। अब बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स जो होता है कॉमन पाथवे होता है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंग्स के जो साइड में होगा उसे क्या बोले? लैरिंजियोफेरिंग्स। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, क्या होता है ये? सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट क्या करता है? फेरिंग्स को टू पार्ट में डिवाइड करता है, नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स में एक डक्ट आके ओपन होती है, उसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। उसको क्या कहते हैं? यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब क्या करता है? ये कहाँ से आकर ओपन होती है? तो ये मिडिल ईयर से आकर ओपन होती है। कहाँ से आकर ओपन होती है? मिडिल ईयर से। क्या करती है मिडिल ईयर से आकर ओपन होकर? ये जो होती है मिडिल ईयर में प्रेशर को मेंटेन करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो वहाँ की मेम्ब्रेन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको रैप्चर होने से या फटने से बचाती हैं। ठीक, तो ये किसके बारे में हुआ? फेरिंग्स के बारे में हुआ। अब बात करते हैं इसोफेगस की। तो इसोफेगस क्या करता है? अपना जो फेरिंग्स है, अब बकल कैविटी से जैसे फेरिंग्स में जाएंगे तो वहां पास फेरिंग्स में आकर टू ओपनिंग ओपन होती है। एक को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और दूसरे को क्या कहते हैं? गलेट। तो जो इसोफेगस की ओपनिंग होती है, इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? गलेट। इसोफेगस की जो टर्मिनल ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं? गलेट। और जो होती है ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, उसको ग्लॉटिस कहते हैं। अब ट्रैकिया जो है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप द्वारा ढका होता है, कवर होता है, उसे क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। ग्लॉटिस के ऊपर है इसलिए क्या बोलेंगे? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करता है? ट्रैकिया में फूड का एंटर होने से प्रिवेंट करता है। ठीक, इसलिए ट्रैकिया में क्या ट्रेवल करती है? एयर ट्रेवल करती है, इसलिए ट्रैकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। और इसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। एक क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो किसको कवर करता है? ग्लोटिस को। ग्लोटिस को क्यों कवर करता है? उसे बोलते हैं इपीग्लोटिस। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फूड को किस में जाने से रोकना है? ट्रैकिया में। यदि ट्रैकिया में चला गया तो वो कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। तो कैसे प्रिवेंट करता है? एक ढक्कन होता है, ढक्कन बंद हो जाता है। अब जो होते हैं इसोफेगस जाकर के कहाँ ओपन होता है? इसोफेगस जाकर के स्टमक में ओपन होता है। इसोफेगस जाकर के स्टमक में ओपन होता है। स्टमक और इसोफेगस के बीच एक मस्कुलर स्पिंटर होता है। क्या होता है? स्पिंटर। वो क्या करता है? फूड को स्टमक में जाने से या बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है, उसका रेगुलेशन करता है। ठीक, तो स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसे स्पिंटर को बोलते हैं गैस्ट्रो। स्टमक के लिए टर्म यूज किया जाता है गैस्ट्रिक और इसोफेगस। तो गैस्ट्रो मीन्स स्टमक और इसोफेगस के बीच मस्कुलर स्पिंटर है, तो उसे क्या बोलेंगे? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर। उसे क्या कहेंगे? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर। उसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर। किसके बारे में देख रहे थे हम? इसोफेगस। इसोफेगस की बात करें तो इसोफेगस का जो होता है अपर वन थर्ड पार्ट कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है। कैसा होता है? अपर वन थर्ड पार्ट जो होता है वॉलेंट्री होता है। मीन्स इसमें कैसी मसल पाई जाती हैं? वॉलेंट्री मसल पाई जाती हैं। और लोअर टू थर्ड पार्ट में जो होती है इनवॉलेंट्री मसल पाई जाती हैं। इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती हैं। इसोफेगस जनरली एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चार लेयर होती हैं? सिरोसा, देन मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। कौन कौन सी चार लेयर होती है? सिरोसा, देन मसल लेयर। मसल लेयर दो लेयर से बनती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा इनर लेयर। तो इसोफेगस में जो है सिरोसा के प्लेस पर अनदर लेयर होती है, उसे बोलते हैं ट्यूनिका। उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवांसिया, ट्यूनिका एडवांसिया। इसके अलावा म्यूकोसा जो होती है कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है। कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है।
बात करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इसोफेगस की बात करें तो इसोफेगस कह दी ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ये इसोफेगस है, ऐसी पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, इसको काट करके देखा और ऊपर से कितनी लेयर दिख रही तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने बताया इसमें जो होती है सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका एडवांसिया, उसके नीचे कौन सी होती है, मसल लेयर होती है। मसल लेयर कितनी लेयर से बनती, टू मसल लेयर से बनती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच नर्व प्लेक्सस का क्या होता है, फाइव नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, नर्व प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। उन नर्व प्लेक्सस को क्या कहते हैं, आरवैक नर्व प्लेक्सस। इनका काम क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस कराना, इनका काम क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस करवाना, इनका काम क्या है, पेरिस्टाल्सिस कराना। अब जो होते हैं इसके नीचे कौन सी लेयर होगी, सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। म्यूकोसा कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। इसमें जो होती है एपिथेलियम कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मीन्स कंपाउंड एपिथेलियम होती है। अब इसोफेगस में हमने क्या देखा, एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी ओपनिंग को क्या बोला, गलेट कहते हैं, ठीक। ये कहाँ ओपन होता है, जाकर के स्टमक वाले पार्ट में दूसरी तरफ ओपन होता है। इसोफेगस और स्टमक के बीच एक जंक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन, ठीक। अब इसमें एक मास्कुलर स्पिंटर होता है, उसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, स्टमक की बात करते हैं, किसकी, स्टमक की बात करें तो स्टमक के जो होते हैं कितने रीजन होते हैं, जनरली चार रीजन होते हैं। कौन कौन से, कार्डियक, कार्डियक रीजन वो कहलाता है जहां पास इसोफेगस आकर ओपन होता है। दूसरा क्या कहलाएगा, फंडस या फंडिक, और तीसरा बॉडी, और चौथा जो कि डियोडिनम में जाके ओपन होता है उसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक। इसोफेगस जो है वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसोफेगस की जो मसल लेयर होती है वो थिकेस्ट होती है, कैसी होती है, थिकेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा थिक होती है। अब मसल लेयर थिक है तो यहाँ पास पेरिस्टाल्सिस, इसका काम क्या है, मसल में कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन कराना, इसके कारण मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो यहाँ पास जो होती है पेरिस्टाल्सिस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होगा, स्टमक में होता है। ये जो होता है कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एम्प्टी कंडीशन में इसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं एम्प्टी में, उसको क्या बोलते हैं, रगी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रगी। इसके टू ओपनिंग होती हैं, एक ओपनिंग कहाँ जाकर ओपन होती है, इसोफेगस में, दूसरी ओपनिंग डिओडिनम में। तो जो इसोफेगस में जाकर ओपन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं कार्डियक ओरिफिस, और जो डिओडिनम में होती है उसे पाइलोरिक। अब डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखते हैं तो क्या है, ये कौन सी है, ये जो होते हैं इसके कौन से फंडस, ये वाली ओपनिंग जहाँ कार्डियक बोलते हैं, जहाँ आकर इसोफेगस ओपन होता है। इस जंक्शन को क्या बोला है, इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन को क्या बोला, गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये बॉडी, और ये जो होते हैं जो कर्वेचर जिसका कम होगा उसे क्या बोलेंगे, लेसर, और आउटर साइड वाला ग्रेटर कर्वेचर। इसके अलावा ये जो डिओडिनम में ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिस, और ये जो होती है ओपनिंग इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक ओरिफेस। इसके बाद बात करते हैं लेयर ऑफ, किसकी बात करते हैं, लेयर ऑफ इसोफेगस और लेयर ऑफ स्टमक की बात करते हैं। तो लेयर ऑफ स्टमक की बात करें तो ये भी चार लेयर से बना होता है। आउटर लेयर कौन सी हो जाएगी, आउटर लेयर वही सीरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। मसल लेयर तीन लेयर से बनती है, कौन कौन सी तीन लेयर हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर एंड ऑब्लिक मसल लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर। यहाँ पास जो होती है मसल लेयर तीन लेयर हैं, इसलिए थिके सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है और मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होता है। इसके अलावा म्यूकोसा में यहाँ ग्लैंड्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल होती है, म्यूकस नेक सेल, किसका सिक्रीशन करती है, म्यूकस का, पेप्टिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड की। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किससे बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल, किसका सिक्रीशन करती है, म्यूकस का। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लुब्रिकेशन, क्या काम होता है, लुब्रिकेशन।
इसका काम होता है लुब्रिकेशन, इसका काम लुब्रिकेशन का है। किसको लुब्रिकेट करता है? स्टमक में। क्यों लुब्रिकेट करता है? क्योंकि पैराइटल सेल जो होती है एससीएल का सिक्रेशन करती है, वो कैसा होता है? हाईली एसिडिक होता है, इसलिए जो वहाँ की म्यूकोसा है उसको डैमेज से बचाने के लिए क्या करते हैं, म्यूकस किसका काम करने लगते हैं, ऑयली सब्सटेंस ग्रीस लाइक काम करने लगते हैं। उसका काम क्या होता है, ऑयली कारण वहाँ जो होता है एसिड फिसल जाता है, जिसके कारण वहाँ डैमेज नहीं कर पाता। दूसरी कौन सी सेल है, पेप्टिक सेल्स, चीप सेल्स अथवा जाइमोजन सेल्स, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये किसका सिक्रेशन करती है, प्रो एंजाइम मिस इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन का सिक्रेशन करती हैं। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट करती हैं। एक अपन पढ़ेंगे रेनिन हार्मोन, दूसरा रेनिन एंजाइम जो होते हैं, रेनिन एंजाइम में डबल एन आएगा जबकि हार्मोन में सिंगल एन आता है। तो ये अब क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, पेप्टिक सेल जो है इनएक्टिव एंजाइम का सिक्रीशन क्यों करती हैं? क्योंकि हमारी जो सेल हैं उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मेजर कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन है। और यदि वो सेल किसका एक्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी तो क्या होगा, वही जो है जा करके डाइजेस्ट कर देगा, क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा उन्हीं सेल को जो कि उनका सिक्रीशन करती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी सेल हो जाएंगी, पैराइटल सेल। पैराइटल सेल किसका सिक्रीशन करती हैं, एचसीएल का, किसका, एचसीएल का और इंट्रिंसिक फैक्टर सीआईएफ का सिक्रीशन करती हैं। सीआईएफ किस में हेल्प करता है, विटामिन बी12 के अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, सी12। ठीक, अब जो होते हैं एचसीएल क्यों जरूरी है हमारे लिए, एचसीएल इसलिए जरूरी है जो भी इनएक्टिव एंजाइम है प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन, दोनों कैसे होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम है या प्रो एंजाइम है, इनको कौन एक्टिवेट करता है, इनको एचसीएल एक्टिवेट करके किसमें कन्वर्ट करता, रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये रेनिन और पेप्सिन किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कई बार क्या होता है, पैराइटल सेल के अगेंस्ट किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पैराइटल सेल के अगेंस्ट क्या होता है, पैराइटल सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती हैं, पैराइटल सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती हैं। ये एंटीबॉडी किसको डिस्ट्रॉय करेंगी, पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी कि नहीं, एंटीबॉडी पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी तो किसका सिक्रीशन नहीं होगा, एचसीएल और सीआईएफ का सिक्रीशन नहीं होगा। सीआईएफ जब नहीं रहेगा तो विटामिन बी12 का अब्जॉर्प्शन होगा क्या, विटामिन बी12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन बी12 किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, विटामिन बी12 जो है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। आरबीसी की क्या हो जाएगी, जब विटामिन बी12 नहीं जाएगा तो आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी कि नहीं, आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, अनीमिया। अब जो है विटामिन बी12 की वजह से जो आरबीसी का साइज होता है वो बड़ा रह जाता है, मैच्योर नहीं हो पाती हैं तो उन आरबीसी को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आरबीसी की कमी होती है। तो उस टाइप के अनीमिया को क्या बोलते हैं, पर्नीशियस अनीमिया, क्या कहते हैं, पर्नीशियस अनीमिया। तो यदि पैराइटल सेल के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, किसका सिक्रीशन नहीं होगा, सीआईएफ का सिक्रीशन नहीं होगा तो विटामिन बी12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन बी12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा, आरबीसी को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी तो कौन सा अनिमिया होगा, पर्नीशियस अनिमिया। इसके अलावा एचसीएल के फंक्शन की बात करें तो एचसीएल जो होता है पहला फंक्शन क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में या प्रो एंजाइम के फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज नहीं होते, क्योंकि यदि एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे तो जो हमारी सेल हैं उनका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। दूसरा यदि फंक्शन की बात करें, किसके दूसरे फंक्शन की बात करें HCl के, तो HCl क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस कहाँ पहुँच जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो कहाँ पहुँचते हैं, स्टमक में पहुँच जाते हैं, तो हाईली एसिडिक होता है, कैसा होता है, pH जो है बहुत कम होगा कि नहीं, 1.8 के आसपास होता है। जब ये pH पर बहुत कम ही एनिमल्स क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को किल करता है, जिसके कारण क्या मिलता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टमक में जो फूड है वो कितने घंटे तक, 4 से 5 घंटे तक स्टोर होता है। अब क्या होता है, स्टमक में जो फूड है उसको क्या किसके साथ मिक्स करेंगे, जो यहाँ पास सिक्रीशन होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, उन्हें क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस के साथ यदि फूड को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, काइम। उस फूड को क्या बोलते हैं, काइम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जो है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट होते हैं, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में। और ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है, जो भी प्रोटीन खाएंगे उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा, कौन, पेप्सिन। पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन किस में टूट जाता, पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स में टूट जाता है। इसके अलावा रेनिन जो होता है वो किस में हेल्प करता है, रेनिन जो होता है किस फॉर्म में रिलीज होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। HCl के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैसिन। कैसिन और रेनिन के प्रेजेंस में क्या बनता है, पैरा कैसिन। क्या बनता है, पैरा कैसिन। अब इस पर जो होता है क्या आकर के जुड़ जाता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम आकर जुड़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। इसी को क्या बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब इस पर जो होते हैं डिफरेंट पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं या प्रोटीन के हार्मोन होते हैं वो आकर के काम करते हैं और मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डियोडिनम का शेप जो होता है कैसा होता है, सी शेप होता है। स्टमक आके कहाँ ओपन हो रहा था, डियोडिनम में हो रहा था कि नहीं, और डियोडिनम के कर्वेचर में ही क्या सिचुएटेड होता है, पैंक्रियास सिचुएटेड होता है। यहाँ पास आकर कौन सी डक्ट ओपन होती है, डियोडिनम में आकर एक डक्ट ओपन होती है, उसे क्या बोलते हैं, हिपेटो। उस डक्ट को क्या बोलते हैं, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो एक डक्ट आकर ओपन होती है उसको क्या बोलते हैं, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इसमें जो होते हैं कौन कौन से एंजाइम्स होंगे या कौन कौन सी ग्लैंड के सिक्रीशन होंगे, हिपेटिक टर्म जो होता है लीवर के लिए यूज किया जाता है, और पैंक्रियाज, तो इसमें जो होते हैं किसके किसके सिक्रीशन होंगे, पैंक्रियाज और लीवर के सिक्रीशन प्रेजेंट होते हैं। डियोडिनम के जो होते हैं म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में एंड जो होती है ग्लैंड होती है उसे क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा में ग्लैंड होती है उसे ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं। और म्यूकोसा वाले रीजन में क्या होता है, म्यूकोसा वाले रीजन में छोटे छोटे ब्रेस्ट बॉर्डर लाइक क्या होते हैं, अपियरेंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलाई या माइक्रोविलाई। इनका काम क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ये हमने एनिमल टिश्यू में भी बात की थी। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो कहाँ होता है, डियोडिनम में होता है। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है डियोडिनम के बाद, जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है फूड का। इसके बाद टर्मिनल पार्ट क्या होता है, इलियम। इलियम जाकर कहाँ ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम वाले पार्ट में, ठीक। इसके अलावा इसमें जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लुबरकन कहते हैं। ये किसका सिक्रीशन करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस का, उसे क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करती हैं उसे क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं, वो किसका सिक्रीशन करती, पैनेट सेल लाइक, वो डिफेंसिव या एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो होते हैं डियोडिनम के सब म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड होती हैं, ब्रूनर ग्लैंड होती हैं। तो इसकी भी आउटर लेयर कौन सी होगी, वही सिरोसा, देन मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। इसकी सब म्यूकोसा में क्या है, ब्रूनर ग्लैंड है। और म्यूकोसा वाले रीजन में क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। इसके बाद बात करते हैं जेजुनम और इलियम में, जेजुनम और इलियम के म्यूकोसा में क्या होते हैं, कुछ लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस, उन्हें क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की,
तो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। सिकम कहाँ आकर ओपन होता है? जो होते हैं ईलियम के टर्मिनल पार्ट में। तो ईलियम और सिकम के बीच एक वॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं? इलियोसिकल वॉल्व। उसको क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल्व। ये फूड के जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बैकवर्ड होने से प्रिवेंट करता है। अब जो होते हैं सिकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसमें क्या होते हैं? कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? विटामिन B12 और बहुत सारे विटामिन का सिक्रीशन करते हैं, लेकिन अमाउंट बहुत ट्रेस होता है, इसलिए हमारे यूजफुल इतना ज़्यादा नहीं आता। अब नेक्स्ट पार्ट, सिकम कहाँ ओपन होता है? सिकम जो होता है कोलोन में ओपन होता है। कोलोन के तीन पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग हो जाएगा बिस ट्रांसवर्स एंड देन डिसेंडिंग और देन सिग्मोइड कोलोन। कौन कौन से हो जाएंगे? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। और कोलोन जाकर के कहाँ ओपन होगा? रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है? फीकस का स्टोरेज होता है। और देन कहाँ ओपन हो जाएगा? एनल कैनाल और एनस में जाकर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? कुछ चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन वाले रीजन में क्या होते हैं? कुछ चैम्बर्स होते हैं। उन चैम्बर्स को क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा। और इसमें रिबन लाइक मसल होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टीनिया कोलाई। रिबन लाइक मसल होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टीनिया कोलाई। अब बात करते हैं पहले पार्ट की, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? सिकम। तो सिकम क्या होता है? स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, उसे क्या कहते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सिकम जाकर के कहाँ ओपन होता है? कोलोन के। कोलोन के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी चौथा पार्ट होता है सिग्मोइड कोलोन। कोलोन जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक, यदि बात करें रेक्टम की तो ये क्या होता है? लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या है? स्टोरेज साइट है फिकल मैटर के लिए। और ये जो होता है कहाँ ओपन होता है? एनस में। इसमें जो पेरिस्टाल्सिस है वो मिनिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होता है? रेक्टम में। जो होता है मिनिमम पेरिस्टाल्सिस होता है। क्या होता है? रेक्टम में मिनिमम पेरिस्टाल्सिस होता है। अब बात करें किसकी? जो होते हैं इसके लेयर की बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये भी किस लेयर? चार लेयर से बनेंगी। कौन कौन सी हैं चार लेयर? सिरोसा, देन मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। इसकी म्यूकोसा में क्या होते हैं? जो होते हैं मॉडिफिकेशंस होते हैं और कुछ गॉबलेट सेल होती हैं जो क्या करती हैं? फिकस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। फिर से अगेन रिपीट करते हैं हम। तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन सी चार लेयर से बनती है? सिरोसा, देन मसल लेयर। मसल लेयर के बीच में एक प्लेक्सस होता है। इनर जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? सर्कुलर। और आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडनल। देन सब म्यूकोसा, यहाँ पास भी एक क्या है? नर्व का नेटवर्क होता है, जिसे क्या बोलते हैं? नर्व प्लेक्सस कहते हैं। किस में हेल्प करता है? ग्लैंडुलर सिक्रीशन में, ग्लैंड्स के सिक्रीशन में हेल्प करता है। मस्कुलरिस की बात करें तो इस मसल लेयर के बीच में जो नर्व प्लेक्सस होता है वो किस में हेल्प करता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हेल्प करता है। अब म्यूकोसा जो होता है वो तीन लेयर से बनता है। कौन कौन सी तीन लेयर हैं? एक होता है अपना माल्ट, देन मस्कुलरिस म्यूकोसा और जो होते हैं इपिथीलियम। जो मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है वो किस में हेल्प करता है? वो सरफेस एरिया को बढ़ाने या घटाने में हेल्प करता है। आउटर लेयर कौन सी है? सिरोसा। सिरोसा किससे बनती है? जनरली थिन मीजोथीलियम या सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम से बनती है। सिरोसा कहाँ अब्सेंट था? हमने देखा था सिरोसा जो होता है अब्सेंट होता है इसोफेगस में। इसोफेगस में जो होते हैं सिरोसा के प्लेस पर क्या होता है? ट्यूनिका एडवंसिया। वो किससे बनता है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। इसके बाद बात करते हैं मसल लेयर की। तो मसल लेयर जो होती हैं कैसी होती हैं? स्मूथ मसल यूजली होती हैं। कैसी होती हैं? स्मूथ मसल लेयर होती हैं। और आउटर साइड में जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल और इनर साइड में सर्कुलर मसल होती हैं। लेकिन स्टमक में हमने देखा था एक एडिशनल मसल लेयर थी, वो कौन सी थी? जो थी ऑब्लिक मसल लेयर थी।
तो ज्योति मसल की थिकनेस सबसे ज्यादा कहाँ होती है? स्टमक में होती है, इसलिए मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होता है? स्टमक में होता है। अब मसल लेयर के बीच में एक नर्व प्लेक्सस होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस या मायंट्रिक नर्व प्लेक्सस, मायंट्रिक नर्व प्लेक्सस कहते हैं। ये किसमें हेल्प करता है? पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है, पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं सब म्यूकोसा की। किसकी बात करते हैं? सब म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा अलग अलग लेयर में अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं। सब म्यूकोसा में जो होते हैं क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होता है। सब म्यूकोसा में जो होते हैं कौन सा कनेक्टिव टिश्यू था? हमने एनिमल कनेक्टिव टिश्यू में देखा था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कैसा कनेक्टिव टिश्यू? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो होते हैं डिओडिनम की सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड होती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। इसके बाद बात करते हैं म्यूकोसा की। तो म्यूकोसा जो होती है इनर मोस्ट लेयर है, इसमें जो होती है क्या होते हैं? स्टमक में फोल्ड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रगी कहते हैं। म्यूकोसल फोल्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं। इन म्यूकोसा की इनर लेयर में फिंगर लाइक क्या होते हैं? प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलाई। विलाई के अगेंस्ट स्मॉल प्रोसेस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। इनका काम क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। किसके लिए? अब्जॉर्प्शन के लिए। अब विलाई जो होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई होती है। तो जो यहाँ पास लिम्फ वेसल होती हैं जो कि विलाई को सप्लाई करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लैक्टियल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं। इसके अलावा म्यूकोसा में जो होती हैं कुछ गॉबलेट सेल्स होती हैं जो किसका सिक्रीशन करती हैं? म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। गॉबलेट सेल होती हैं जो किसका सिक्रीशन करती हैं? म्यूकस का। म्यूकस किस में हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। विलाई और माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जेजुनम और इलियम में जो है एक पेयर पैचेस होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। किस वाले पार्ट में? म्यूकोसा वाले पार्ट में। अब डायग्राम देखते हैं किसका? विलाई और माइक्रोविलाई का देखते हैं। तो ये क्या है? विलाई है। ये क्या है? विलाई है। ये विलाई है। अब विलाई जो होते हैं किसके द्वारा सप्लाई किए गए हैं? ये विलाई है। इसके ऊपर अगेन प्रोजेक्शन होते हैं कुछ, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। अब यहाँ पास क्या है? ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन होती हैं। क्या होती हैं? आर्टरी। और इसके अलावा क्रिप्ट्स होती हैं। क्रिप्ट्स क्या करती हैं? जो होती हैं यहाँ पास एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जिस क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। अब जो विलाई लिम्फ वेसल द्वारा सप्लाई होती है उन्हें क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं। अब हम कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट हिस्टोलॉजी के डिफरेंट पार्ट में। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल चार लेयर से बनी है। कौन कौन सी है चार लेयर? सिरोसा, देन मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। सब अलग अलग लेयर पर अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसोफेगस की। किसकी? इसोफेगस की बात करते हैं। तो इसोफेगस में जो सिरोसा है उसके प्लेस पर क्या प्रेजेंट? सिरोसा के प्लेस पर क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ट्यूनिका एडवांसिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवांसिया। इसके बाद बात करते हैं जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में एक नर्व फाइबर है, उसे क्या बोलते हैं? मायंट्रिक या ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। क्या कहते हैं? ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। इसके बाद जो होते हैं सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इनर लेयर कौन सी हो जाएगी? म्यूकोसा हो जाएगी। इनर लेयर म्यूकोसा, उसमें क्या है? मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपिया और एपिथीलियम। सबसे पहले बात करें इसोफेगस की। तो इसोफेगस में जो हैं क्या होता है? सबसे आउटर लेयर सिरोसा अब्सेंट होती है और उसके प्लेस पर क्या होता है? ट्यूनिका एडवांसिया। इसके बाद जो होते हैं मसल लेयर में कौन सी हो जाएगी इसोफेगस में? लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, देन सर्कुलर मसल लेयर। इन दोनों के बीच में क्या होगा? ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस, जो किस में हेल्प करेगा? पेरिस्टाल्सिस में। इसके बाद कौन सी लेयर होगी? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में कौन सा नर्व प्लेक्सस होता है? मेसनर नर्व प्लेक्सस।
वो किस में हेल्प करता है? ग्लैंडुलर सिक्रीशन में। इसके बाद इसोफेगस की जो म्यूकोसा होती है उसमें कौन सी एपिथीलियम होती है? मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम होती हैं। कैसी होती है? मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम होती हैं। अब बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक की बात करें तो यहाँ पास आउटर लेयर कौन सी होगी? सिरोसा होगी। कौन सी? सिरोसा। किससे बनी होगी? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम के। अब यहाँ पास जो होता है इसो स्टमक की बात करें तो स्टमक के मसल लेयर में एक अनदर लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्लिक मसल लेयर। उसे क्या कहते हैं? ऑब्लिक मसल लेयर। मसल लेयर में एक क्या है? नर्व फाइबर का प्लेक्सस होगा, उसे क्या कहेंगे? आर्बेक नर्व प्लेक्सस। ये किस में हेल्प करेगा? पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं इसोफे जो होते हैं स्टमक। स्टमक का जो होता है इनर लेयर कौन कहलाएगी? म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पिट। उसे क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक पिट। अभी हमने स्टमक के बारे में देखा, अब हम बात करते हैं डियोडिनम की। तो डियोडिनम की आउटर लेयर क्या होगी? सिरोसा। आउटर लेयर क्या है? सिरोसा। देन क्या होगी? मसल लेयर। तो मसल लेयर में कौन सी आएगी? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में नर्व प्लेक्सस है। कौन सा? ऑर्बेक नर्व प्लेक्सस। इसका काम क्या होता है? मसल लेयर में कॉन्ट्रेक्शन कराना, जिसके कारण कौन सी मूवमेंट पॉसिबल होती है? पेरिस्टाल्सिस। कौन सी? पेरिस्टाल्सिस। इसके बाद कौन सी होगी नेक्स्ट लेयर? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में यहाँ पास ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ड्यूओडिनम में ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि एल्केलाइन जूस का सिक्रीशन करती हैं। इसके अलावा सब म्यूकोसा में एक नर्व प्लेक्सस है, मेसिनर नर्व प्लेक्सस। ये किस में हेल्प करता है? मेसिनर नर्व प्लेक्सस हेल्प करता है ग्लैंडुलर सिक्रीशन में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इनर लेयर कौन सी होगी सबसे? म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होते हैं? विलाई एंड माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जेजुनम और इलियम के बारे में। तो यहाँ पास भी आउटर लेयर क्या होगी? सिरोसा, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, देन सर्कुलर मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में कौन सा नर्व प्लेक्सस होगा? मेसनर नर्व प्लेक्सस। देन इनर लेयर आएगी म्यूकोसा। तो यहाँ पास क्या होते हैं? म्यूकोसा में यहाँ पास क्या होते हैं? म्यूकोसा में यहाँ पास प्रेजेंट होते हैं विलाई एंड माइक्रो विलाई। इनका काम क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। इसके अलावा म्यूकोसा में यहाँ पास कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। इसके अलावा म्यूकोसा में लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पेयर्स पैचेस। इसके अलावा यहाँ पास पैनेट सेल होती हैं, जो किस पैनेट सेल कैसी हैं? यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं। ये डिफेंसिन लाइक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्रिक नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? एंट्रिक नर्वस सिस्टम की। एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसमें जो होते हैं टू टाइप के नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। हम देख चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल में कितने टाइप के नर्व प्लेक्सस होते हैं? टू टाइप के। कौन कौन से? आर्बेक नर्व प्लेक्सस और दूसरा मेसनर नर्व प्लेक्सस। आर्बेक नर्व प्लेक्सस इज ऑल्सो नोन एज मायंट्रिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? मायंट्रिक प्लेक्सस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बिट जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर के बीच प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या है? जो मसल लेयर हैं उसमें क्या कराता है? इसमें जो होते हैं कॉन्ट्रेक्शन कराता है, जिसके कारण क्या होता है? इंटेस्टाइन में मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस। इसके बाद सेकेंड नर्व प्लेक्सस की बात करते हैं। तो सेकेंड नर्व प्लेक्सस में जो होता है इसमें क्या है? इसे इट इज ऑल्सो नोन एज सब म्यूकोसल प्लेक्सस। क्यों? क्योंकि यह सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। ये जो होते हैं इनका काम पेरिस्टाल्सिस में ज़्यादा रोल नहीं होता है। इनका काम जो होता है ग्लैंडुलर सिक्रीशन में हेल्प करना होता है। किस में हेल्प करना होता है? ग्लैंडुलर सिक्रीशन में हेल्प करना होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू माय डियर।